हेलो खुशी, याद है तुमने जब ये ऑफिस ज्वाइन किया था तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये ऑफिस छोड़ दोगी? वही हुआ। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मैं मामी जी को आकाश और पायल की शादी के लिए कन्विंस कर लूंगा। वही हुआ। मैं जो कहता हूँ हमेशा वही होता है। खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायजादा। बुआ जी आकाश और पायल की शादी की फोटोग्राफ देखकर बहुत खुश होंगी ना। अब तुम चेक करो कि तुम्हारे एनवेलप में क्या है। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूं और कर चुका हूं। तुम्हारे पास दो एनवेलप है, दो चॉइसेस, पायल की शादी या उसकी बर्बादी। एंड बाय द वे, फैसला करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है। अगर 1.5 घंटे में तुमने फैसला नहीं किया तो आकाश ही पेपर साइन कर देगा। बहुत सुंदर है फोटो। एक हसी ये फोटो कौन ने भेजी है? वो दूसरे लिफाफे में कहाँ है? कुछ नहीं बुआ जी, बस कागज है। जी खुशी जी बोलिए, क्या हुआ? जीजा जी हम आपसे मिलना चाहते हैं अभी इसी वक्त। काम डाउन खुशी जी। ठीक है तो आप ऑफिस आ जाइए। ऑफिस? नहीं नहीं नहीं, हम ऑफिस में नहीं मिल सकते। क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? बहुत जरूरी बात है। ओके ठीक है। खुशी जी ने जब कॉल किया तो वो इतनी घबराई हुई क्यों थी? हेलो मिस्टर, प्लीज हैव अ सीट। भाई आप यहां? खुशी जी आप इन कागजात पर कैसे दस्तखत कर सकते हैं? खुशी जी वो भाई ने कह दिया तो मैंने साइन कर दिया। वैसे भी एक बार उन्होंने कह दिया तो सोचने की क्या जरूरत? सोचने की जरूरत है? काश और नहीं था, लेकिन उसने सिर्फ मेरे कहने पर साइन किया। हाँ और वैसे भी ये सौदा आपके लिए ये सिर्फ एक सौदा है और किसी की भावना और जज्बातों का कोई मोल नहीं है। चीता जी क्या आप ये करके खुश हैं? खुशी जी अब मेरे भाई से बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं है। बाकी सब चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
आपके लिए ये इतनी सी बात है, आपके माथे पे तो जरा सी भी शिकन नहीं है। क्योंकि भाई कहते हैं कि इमोशंस और फीलिंग्स आपको कमजोर कर देती है, और वैसे भी यू आर एब्सोल्युटली राइट आकाश, मैं सिर्फ ये कहता हूं, इसमें बिलीव भी करता हूं, खुशी डील्स और प्रॉफिट से इंपॉर्टेंट कोई नहीं होता। आकाश हमें चलना चाहिए। We are right. जी सर जी, बस एक मिनट। हाँ खुशी जी, आप कुछ बात करना चाहती थी? आकाश मिस्टर रॉय बाहर वेट कर रहे हैं, तुम अभी ऑफिस जाओ, खुशी से शाम को घर पे बात कर लेना। चीता जी, राइट खुशी जी, घर पे बात करते हैं। Let's see you later. चीता जी, चीता जी, हम तुम इस चैलेंज को सीरियसली नहीं ले रही हो खुशी, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, अगर आधे घंटे में तुम घर नहीं पहुंची तो मैं इन डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हारी बहन पायल के सिग्नेचर भी ले लूंगा। आई वॉन्ट यू होम, डू यू अंडरस्टैंड? चीता जी, तलाक के कागजात पर कैसे दस्तखत कर सकते थे? उन्होंने एक बार भी हमारी चीची के बारे में नहीं सोचा, और चीची अब चीची का क्या होगा? हेलो चीता जी। हाँ खुशी। चीता जी हम कह रहे थे कि इट्स सो सैड खुशी, आकाश का फोन मेरे पास है। खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायजादा, तुम घर खुद जाओगी या मैं ड्रॉप कर दूं? हेलो, हाँ आकाश, हाँ हमारे फोन्स एक्सचेंज हो गए। नहीं नहीं, तुम मिस्टर रॉय के साथ काम खत्म करके घर जाओ, मैं तुम्हें शाम को घर पे मिलता हूँ। हाँ मेरा फोन ऑफ कर देना, मेरे कॉल जाएंगे तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, तुम मुझे हरा नहीं सकती खुशी, मेरी सोच तुमसे बहुत तेज है। मुझे पता था कि तुम यहां आओगी, इसलिए मैं पहले ही लॉयर को लेकर यहां आ गया। खुशी टेबल पे पानी का ग्लास पड़ा है, काफी है, ये बॉटल लूंगा। ड्रामा क्रिएट करने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? इनफैक्ट यू नो व्हाट, तुम्हें पानी की नहीं इसकी जरूरत है, तुम्हारे चेहरे पे मुझे हार नजर आ रही है। जल्दी करो खुशी, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जीजी, खुशी कैसे हो तुम? जीजी तुम कैसी हो? हाँ हम ठीक है। कैसे ठीक हो जीजी, पौने छह बज गए, मतलब अब तुम सिर्फ कुछ देर तक ठीक रहोगी? खुशी ये क्या बड़बड़ाई जा रही हो, पहले ये बताओ तुम कहाँ?
और तुम सुबह घर से क्यों चली गई? खुशी, ये क्या तरीका? अब हम इस घर की बहू हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे। जी जी, तुमने जीजा जी से बात की क्या? हाँ, हमने फोन किया था पर उनका फोन बंद था। क्यों, क्या हुआ? खुशी तुम कहाँ? और सब ठीक? वो ठीक तो है ना?